सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी विद शेखर और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस एंड हैकिंग वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। एप्पल ने कर दिया है आईफोन 9 को स्किप और लॉन्च किया है आईफोन 10 यानी आईफोन एक्स। इसके साथ ही मार्केट में आया है एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 11। ये iOS 11 का टॉपिक हो गया है YouTube में वायरल। अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू इंस्टॉल iOS 11 इन Android, तो दोस्तों आपके सामने YouTube पेश करेगा अनकाउंटेबल रिजल्ट्स। दोस्तों मैंने कल बैठ के 5 टू 12 वीडियोस देखा था ये इसके ऊपर ही हाउ टू इंस्टॉल iOS 11। सो दोस्तों मैंने देखा हर वीडियो में कुछ ना कुछ खामियां है, जैसे कि कुछ वीडियो में iPhone 11 का स्पेशलिटी कंट्रोल सेंटर नहीं दिखाया गया है, मतलब उस ट्रिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो कंट्रोल सेंटर ही नहीं आता है, तो अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग खामियां हैं। सो दोस्तों मैंने कल रात को सोचा और आज सुबह में एक डिज़ाइन किया थीम और डेवलप भी मैंने किया है उस थीम को। उसमें आपको आईफोन एक्स का मतलब iOS 11 का ए टू जेड सारा फीचर्स देखने को मिलेगा। सो दोस्तों मैं अभी आपको उस थीम के बारे में ही बताऊंगा। और दोस्तों आपने कैप्शन में एंड थंबनेल में पढ़ा होगा कि हाउ टू इंस्टॉल iOS 11 सोते हैं, तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अपना एंड्रॉयड को हटा के iOS इंस्टॉल कीजिए। बिकॉज दोस्तों अगर आप iOS इंस्टॉल करते हैं अपना एंड्रॉयड मोबाइल में ओरिजिनल OS इंस्टॉल करते हैं, सो दोस्तों आपका मोबाइल रूटेड डिवाइस की तरह ही बिहेव करेगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल iOS ओरिजिनल iOS आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपका मोबाइल जो देता है वही ओरिजिनल होता है। इसके अलावा भी iOS आपका जो CPU है उसके साथ सूट नहीं करेगा, सो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझसे मतलब कमेंट करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे iOS इंस्टॉल कर सकते हैं, रियली iOS कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के लिए मैं आपको थीम के बारे में बताऊंगा जिससे आपका मोबाइल का कंप्लीट लुक चेंज हो जाएगा, पूरा iOS की तरह ही दिखेगा। अगर कोई भी आप दोस्त को स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो iOS 11 है या आपका एंड्रॉइड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी विद शेखर। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं ये है लॉक स्क्रीन, साइड में अगर स्वाइप करते हैं तो देखने को मिल जाएगा आपका फेवरेट कॉन्टैक्ट, वेदर्स, इवेंट्स, प्लेइंग जो सॉन्ग प्ले हो रहा है, एप्स, नोट्स, ये सब शॉर्टकट्स। नीचे से स्वाइप करते हैं तो देखने को मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर, देख सकते हैं। हालांकि इसमें सारा ऑप्शंस काम नहीं करेगा और मैं फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ तो ये अनलॉक हो गया, देख सकते हैं पूरा एप्पल स्टोर की तरह ही हो गया है, मतलब सॉरी iOS 11 की तरह ही हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं प्ले स्टोर भी कन्वर्ट हो गया है ऐप स्टोर में, गैलरी कन्वर्ट हो गया है फोटोज़ में, सिक्योरिटी कन्वर्ट हो गया है हेल्थ में। दोस्तों मैं ये MIUI है मेरा रेडमी का सेट, सो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। थीम स्टोर हो गया है, MI थीम्स का जो स्टोर है वो थीम स्टोर हो गया है पूरा, सो उसमें आप देख सकते हैं उसका लोगो भी चेंज हो गया है। इसके अलावा दोस्तों स्पेशलिटी दिखाता हूँ मैं आपको, व्हाट्सएप ओपन करूँगा तो देख सकते हैं आप व्हाट्सएप पूरा चेंज हो गया है। इसके अलावा मैं अगर प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं आप ऐप स्टोर दिखा रहा है, प्ले स्टोर नहीं दिखा रहा है, पूरा चेंज हो गया है। सो दोस्तों चलिए जानते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। सो दोस्तों मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा MIUI डिवाइस है, मैं मुझे नहीं मालूम है कि ये थीम अदर मोबाइल में जैसे कि सैमसंग लेनो वो कार्बन इसमें काम करेगा या नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये जानता हूँ ये MIUI में ही काम करेगा, MIUI 8 या MIUI 9 में काम करेगा। दोस्तों आपको आप देख के बता सकते हैं, इसको ट्राई करके बता सकते हैं, अगर आपका सैमसंग या कोई अदर डिवाइस में चलता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ iOS 10। ये है Redmi का खुद का थीम। दोस्तों मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो Redmi का है, इसमें है MIUI 8। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, iOS 10 में प्ले स्टोर की साइन हो गया है ऐप स्टोर के साइन की तरह, बट अगर ओपन करते हैं गूगल पे दिखा रहा है, व्हाट्सएप भी पहले जैसा ही है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक खास फीचर्स है कि अगर आप टू फिंगर स्वाइप करते हैं तो आईफोन की तरह गेटअप आ जाएगा, फिर से हम नीचे आ सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए थीम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद अपना थीम ओपन कीजिए, थीम के बाद ऑफलाइन में जाइए। दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, ये मैं जो वे दिखा रहा हूँ ये है सिर्फ और सिर्फ रेडमी का। मुझे नहीं पता है MIUI के अलावा और कोई डिवाइस में ये चीज़ सपोर्ट करेगा या नहीं। सो दोस्तों अगर आपका सैमसंग, लेनोवो, कुछ भी डिवाइस है तो दोस्तों आप बता सकते हैं मुझको ट्राई करके कि वो काम कर रहा है या नहीं। सो दोस्तों अभी हम इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये इंपोर्ट ऑप्शन है। इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर रखा है वो फाइल, मतलब जो डाउनलोडेड फाइल है, सो वो आपका डाउनलोड में ही होगा, लेकिन मैंने इसको खुद डेवलप किया है इसलिए मैंने MIUI नाम का एक फोल्डर में रखा है। सो इसको क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। सो दोस्तों ये दिखा, नीचे सर्किल लेक दिखा रहा है, लोडिंग हो रहा है। सो ये हो रहा है, हो गया है। अब देख सकते हैं इसमें तीन है, बिकॉज मैंने पहले से ही दो इंस्टॉल करके रखा था और अभी एक इंस्टॉल हुआ है। सो आप चूज कर लीजिए और अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए इसका व्यू एक बार, गेटअप देख लीजिए, ये है कंट्रोल सेंटर, ये पासवर्ड का ऑप्शन। दोस्तों देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन पैनल भी पूरा चेंज हो गया है इसमें, जो पहले वाला, मतलब ये iOS 10 में नहीं होता है। सो अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कीजिए। सो दोस्तों रिबूट दिखा रहा है बिकॉज इसका फ़ॉन्ट जो स्टाइल है, सो फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ अलग है, सो रिबूट दिखा रहा है। सो मैं नॉट नाउ करके सिर्फ और सिर्फ थीम को ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। हेलो, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सब देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो गया है, ये ऐप स्टोर हो गया है फिर से, ये व्हाट्सएप चेंज हो गया है देख सकते हैं आप, इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल चेंज हो गया है आप देख सकते हैं, इसके अलावा लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन भी चेंज हो गया है। प्रेस होम बटन दिखा रहा है, अगर आप नीचे प्रेस होम बटन जहाँ पे दिखा रहे हो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका पैटर्न या पासवर्ड जो है सो उसका ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों पैटर्न मत रखिए, अगर रखते हैं तो पासवर्ड रखिए, सो अच्छा दिखेगा, आईफोन की तरह एकदम लुक आएगा। मैं फिंगरप्रिंट से खोल लिया। सो दोस्तों मेनली प्रेस द होम बटन दिखा रहे हैं बिकॉज एप्पल का फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट में होता है, जो हमारा होम बटन है होता है उसमें ही होता है। सो दोस्तों ये दिखा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं चेंज हो गया है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट कर दीजिए और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।